नमस्ते फ्रेंड्स, महाराष्ट्र प्रोफेशन टैक्स से रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र प्रोफेशन टैक्स में पीटीआर से रिटर्न फाइल करने की एक ड्यू डेट होती है। उस ड्यू डेट के बाद अगर रिटर्न फाइल किया जाता है तो उसके ऊपर लेट फीस लगाई जाती है। उसी तरीके से पीटीआरसी और पीटीसी चालान भरने की भी एक ड्यू डेट होती है। उस ड्यू डेट के बाद अगर चालान का पेमेंट किया जाता है तो उस चालान के ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाता है। तो यहाँ इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि पीटीएसी और पीटीआरसी के चालान लेट भरने पर कितना इंटरेस्ट लगाया जाता है और उसे किस तरीके से कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ आपके सामने एक इंटरेस्ट का चार्ट है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट का रेट क्या होगा। यहाँ आपको इंटरेस्ट के तीन अलग अलग रेट दिखाई देंगे। पीटीआरसी और पीटीएसी चालान जितने महीने लेट होगी उस हिसाब से यहाँ इंटरेस्ट का कैलकुलेट करना होगा, उस हिसाब से यहाँ इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो अब हम यहाँ इसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चालान की जो ड्यू डेट है, उस ड्यू डेट के निकल जाने के बाद अगर एक महीने के अंदर चालान का पेमेंट किया जाता है तो इंटरेस्ट का जो रेट लगेगा वो लगेगा 1.25%। मतलब एक महीने के लिए अगर लेट होता है तो 1.25% के हिसाब से इंटरेस्ट लगाना होगा। और ये जो 1.25% का इंटरेस्ट है, ये पूरे महीने के लिए या उस महीने के जितने हिस्से के लिए चालान लेट हुई है उसके लिए लगाना होगा। और दूसरा जो इंटरेस्ट का रेट है वो है चालान का पेमेंट अगर 3 महीनों के अंदर किया जाता है तो उस केस में किस तरीके से इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ जो पहला महीना है उसके लिए 1.25% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, और दूसरा और तीसरा जो महीना है उसके लिए 1.5% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। तो चालान की ड्यू डेट निकल जाने के बाद अगर 3 महीने के अंदर चालान का पेमेंट किया जाता है तो इस तरीके से आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना होगा। पहले महीने के लिए 1.25% और दूसरे और तीसरे महीने के लिए 1.5% के हिसाब से इंटरेस्ट का कैलकुलेट करना होगा। और तीसरा जो इंटरेस्ट का रेट है वो है चालान की ड्यू डेट निकल जाने के बाद अगर 3 महीने के बाद चालान का पेमेंट किया जाता है तो उस केस में यह बताया गया है कि पहले महीने के लिए 1.25% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, दूसरे और तीसरे महीने के लिए 1.5% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, और चौथे महीने से लेके जब तक आप चालान का पेमेंट नहीं करते उन महीनों के लिए 2% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। तो इसे अब हम एक उदाहरण के माध्यम से भी समझ लेते हैं। तो अब यहाँ आपके सामने एक एग्जाम्पल है। इसके अंदर चालान की जो अमाउंट है वो है 25,000 रुपये। अब इसके ऊपर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, एक महीने के लिए अगर चालान लेट होती है तो यहाँ 1.25% के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया जाएगा और इंटरेस्ट की अमाउंट जो है 312 रुपये लिख लेंगी। इसी तरीके से अगर चालान 2 महीने के लिए लेट होती है तो पहले महीने के लिए 1.25% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया और दूसरे महीने के लिए 1.5% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया और यहाँ इंटरेस्ट की टोटल भी आपको दिखाई देती है। अब इसी तरीके से अगर चालान का पेमेंट 3 महीने लेट किया जाता है तो पहले महीने के लिए 1.25% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है और दूसरे और तीसरे महीने के लिए 1.5% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है और यहाँ आप टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट भी देख सकते हैं। और यहाँ अगर चालान का पेमेंट 3 महीने के बाद किया जाता है तो उस केस में पहले महीने के लिए 1.25% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और दूसरे और तीसरे महीने के लिए 1.5% के हिसाब से होगा और चौथे महीने से लेके तब तक जब तक आप चालान का पेमेंट नहीं करते तब तक 2% के हिसाब से इंटरेस्ट का रेट एप्लीकेबल होगा और इस हिसाब से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना होगा। तो पीटीसी या पीटीआरसी की चालान ड्यू डेट के बाद भर जाती है तो इस हिसाब से इंटरेस्ट का रेट एप्लीकेबल है और इस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होगा। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।